हमने किरचॉफ लॉ किया, किरचॉफ लॉ में हमने लूप लॉ किया। प्रॉब्लम क्या है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ एक दो शीट्स आपको बताएंगी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। आप घर जाके होमवर्क करना, मैं आपको हिंट देके अभी बताता हूँ कि कैसे हर अलग अलग क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। फिर आप अपने क्वेश्चन पे 5-7 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये शीट जो है वो बेसिकली किसके ऊपर है, किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें शीट नंबर 24 सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सब कुछ गिवन है आपको, E1, R1, R2 सब गिवन है आपको। करंट निकालने हर ब्रांच में क्या होंगे, तो ना तो ये सीरीज में ना पैरेलल में, और इतनी बैटरीज को हैंडल भी कौन करे, तो इसके लिए किरचॉफ लॉ काम आएगा। अब करंट किस में से निकालने, बड़ी बैटरी 6 वोल्ट, छोटी 4 वोल्ट, स्टार्ट विद बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी E1 है, तो बड़ी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट बाहर निकाल देगा। तो ये करंट गया I1, इधर से आया I1, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां निकालेगा I2, क्योंकि अलग बैटरी अलग करंट, यहां से आएगा I2। इस ब्रांच में मिलके कितने जाएंगे, I1 प्लस I2, फिर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इसने बाहर I1 निकाला तो इसको एंटर भी I1 करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसने I2 निकाला तो इसके एंटर भी I2 करवाना पड़ेगा। तो हो गई करंट डिस्ट्रीब्यूशन। लूप लॉ लगानी है, चलो यहां से स्टार्ट होते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो एरो उल्टा बना दिया, चलो यहां से चलते हैं, चलो एक ही बात है। तो अगर मैं यहां से चलूं, एरो ऐसे है पर मैं ऐसे चल रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस I1 इंटू R1। फिर मैं करंट के साथ जा रहा हूं फिर से, तो माइनस R3 इंटू I1 प्लस I2। फिर बैटरी का माइनस से प्लस है, तो प्लस E1 इक्वल टू 0। लग गया लूप लॉ। फिर लगाते हैं लूप नंबर 2 में, चलो यहां से लगाते हैं, माइनस से प्लस पे आ रहा हूं तो प्लस E2। फिर माइनस से प्लस पे आ रहा हूं तो प्लस E2। करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं तो माइनस I2 इंटू R2। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। तो लग गया लूप लॉ। कितने वेरिएबल्स हैं करंट के, I1 I2। मैंने कितनी इक्वेशन बना दी, 2, और 2 ही चाहिए आपको। बाकी सब कुछ गिवन तो है, R1 R3 E1 सब गिवन है, करंट अननोन है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी सब गिवन है, करंट अननोन है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करंट निकाल लेना, करंट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, करंट इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, आपस में माइनस हो जाते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देना। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, हालांकि बुक्स ऐसे करती हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी और तरीके से करूंगा। बुक्स में ये गिवन है कि 3 बैटरीज हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों की गिवन है, E1, E2, E3 गिवन है, R1, R2, R3 गिवन है। आपको हर ब्रांच में करंट बताना है। किताबों में ये कर रखा है कि यहां से I1 करंट निकला तो I1 एंटर करेगा, I2 करंट निकला I2 एंटर करेगा, I3 करंट निकला I3 एंटर करेगा। हो गया, हर ब्रांच में करंट आ गया। अब जंक्शन पे I1, I2, I3, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग क्या है ही नहीं, 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। एक लूप ये लेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, एक लूप ये लेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स है, I1, I2, I3। तो 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1, I2, I3 आएगा। पर मेरे को लगता है ये थोड़ा लंबा काम किया हुआ है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपके पास 3 बैटरीज और इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से। ये पहली बैटरी इंटरनल R1, ये E1, ऐसे एक और बैटरी E2 विद R2, विद R2 ऐसे, ये तीसरी बैटरी विद R3 ऐसे, ठीक है। तो हमें काम करते हैं इसमें, देखो जितने वेरिएबल्स कम हो उतना अच्छा है। तो हमें काम करेंगे, इसमें से मान लो I करंट निकला, I करंट आया तो इसमें पास हो गया I-, जंक्शन है तो बचा हुआ किसमें, I माइनस I-। तो इसमें I-I- ये आ रहा है, इसमें I-, ये दोनों मिल गए और वापस करंट कितना आ गया I। इसमें एक फायदा है, नंबर ऑफ वेरिएबल सिर्फ 2 हैं, बस एक लूप लॉ यहां लगा दो, एक लूप लॉ यहां लगा दो,
दो वेरिएबल्स हैं आई और आई डैश कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, हर ब्रांच में करंट आ जाएगा। अपना अपना करंट होगा। एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि जब बहुत सारी बैटरी इकट्ठी ऐसे कनेक्टेड है, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे आके तीनों करंट मिल रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जंक्शन पे करंट आ रहा है जा रहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कोई तो बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसके बदले में कोई तो उसके बदले में चार्ज भी होगी, बड़ी वाली डिस्चार्ज होगी छोटी वाली चार्ज होगी। तो अगर यहां से पॉजिटिव में से करंट निकला तो इसमें पॉजिटिव में एंटर भी कर रहा है, तो इसकी डिस्चार्जिंग है, इसकी चार्जिंग है, इसकी भी चार्जिंग है, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, इसमें अलग अलग करंट निकले, इसमें आई है, इसमें आई डैश है, इसमें आई माइनस आई डैश है, बस देखने में सेम नहीं लग रहे, आई वन आई टू आई थ्री एक ही बात है। ठीक, ये ज्यादा बेटर है मेरे को लगता है। आई माइनस आई डैश कैसे हुआ? फिर से बोलो, सर आई माइनस आई डैश कैसे हुआ थर्ड उस यहां से वायर में अगर आई करंट? करंट आया तो इसमें आई डैश चला गया, यस सर, तो बचा हुआ कितना है? आई माइनस आई डैश। ओके ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। आप घर पे ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, कोई लंबे क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्राई करके देखें आंसर निकालने पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, दो सेल्स हैं जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है और 1 वोल्ट है, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है। कह रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है बाय अ वायर ऑफ 10 ओम। ये पूरी वायर 10 ओम की है, ये पूरी वायर 4 ओम की है, 4 ओम पूरी पूरी वायर। वो कह रहे हैं 10 ओम मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है ये बीच में इनके। भाई मिड पॉइंट का मतलब क्या है? अगर ये 10 ओम है तो 5 5 हो गया, अगर ये 4 ओम है तो 2 2 हो गया। राइट, क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई इसमें, तो डायग्राम बन गया। आपको इसमें करंट निकालने हैं। फिर से इसने निकाला आई वन, इसने निकाला आई टू, तो इधर क्या गया? आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू में से आई वन वापस दे दिया इसे, आई टू वापस दे दिया आंसर। तो आप एक लूप यहां लें, एक लूप यहां लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें आंसर आई वन आई टू। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हाँ, कई कहेंगे ऐसे करें, इसमें से आया आई, इधर गया आई डैश, तो इधर कितना गया? आई माइनस आई डैश। हाँ, ऐसे कर लो तो भी सही है, जैसे मर्जी कर लो। बस यही तो समझा रहा हूं कि इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, आप इसे याद नहीं कर सकते। आप 4 5 क्वेश्चन पे से अप्लाई करना, आपका आंसर आएगा। ये तो बड़े क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ छोटे क्वेश्चन दूंगा जो आप ट्राई करना। ठीक, किरचॉफ लॉ, ये तो बड़े है, एक लूप के अंदर एनसीईआरटी में लगाने को आता है, नीट और मेन्स में भी एक लूप तक तो आ ही जाता है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन हैंड रिटन शीट में किया हुआ है, ये भी कर लिया होगा ऑब्वियसली। जैसे ये क्वेश्चन है,
चार डिस्टेंसेज हैं, 15, 12, 4 और 10, ध्यान से, कनेक्टेड इन साइक्लिक ऑर्डर, 15, 12, 4 और 10, ऐसे नहीं, 15, 12, 4 और 10, साइकिल बनाओ, बना दिया। कह रहे क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, 15 बाय 12 नॉट इक्वल टू 10 बाय 4, नहीं बैलेंस। तो कहते फिर बताओ इसके साथ 10 के साथ कितनी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो एक्स मान लो पैरेलल में है, तो फिर क्या बनेगा, 15 बाय 12 इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, 10x अपॉन 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, एक्स निकाल लेना। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो वीट फ्रंट पिच की सिंपल प्रॉब्लम है। तो